निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मेरा नाम है मोहितेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं MTTV इंडिया। और आज बात कांजी हाउस में गायों की। अजमेर और किशनगढ़ में भाजपा का बोर्ड है, लेकिन इसके बाद भी गायों के रख रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अजमेर और किशनगढ़ के कांजी हाउस दोनों की ही हालत एक ही समान है, जहां इतने दिनों से हम अजमेर कांजी हाउस में गायों की खराब हालत के बारे में सुन रहे थे, वहीं अब मामला किशनगढ़ कांजी हाउस से भी सामने आया है, जहाँ पीछे खुले में तेज सर्दी के चलते एक गाय की प्रसव के दौरान मौत हो गई। इतना ही नहीं, नवजात पछड़े को भी आवारा कुत्तों ने नोच डाला। वहीं कई गायें ऐसी भी है जो मंडसन हालत में वहीं पड़ी हुई है। अन्य गायों की हालत भी देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि ये गायें कितने दिनों से यहाँ भूखी रह रही होंगी। भाजपा का बोर्ड है, गाय के मुद्दे पर जमकर वोट आप सभी से मांगे गए, लेकिन अब उसी गाय को पूछने वाला कोई नहीं है। अजमेर के सांसद बीजेपी नेता भागीरथ चौधरी स्वयं किशनगढ़ से आते हैं, लेकिन फिर भी कांजी हाउस में मर रही गायों की दुर्दशा पर किसी जनप्रतिनिधि को कोई लेना देना नहीं है। कांजी हाउस में बंद गायों की दुर्दशा देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह से गायों का रख रखाव किया जा रहा है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन की बड़ी बड़ी बातें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन नगर परिषद के कांजी हाउस में बंद गायों की हालत इतनी बदतर हो गई है कि देखरेख के अभाव में लगातार इनकी मौत हो रही है। गाय के मसले पर भाजपा ही नहीं, गहलोत सरकार ने भी फायदा उठाने की कोशिश विधानसभा चुनाव में की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार गायों की हालत में कितना सुधार कर पा रही है, इसकी हकीकत इन तस्वीरों और रोज कांजी हाउस से आ रही खबरों से लगाया जा सकता है। वही अन्य गाय जो कांजी हाउस में बंधी हुई है, उनकी भी हालत खराब है। किशनगढ़ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कांजी हाउस में बंद इन गायों की सही तरह से देखरेख नहीं हो पा रही है, जिससे गायों की देखो लापरवाही तो ये है कि यहाँ के जो रख रखे हैं कर्मचारी, उन्होंने गायों को बाहर छोड़ दी थी बारिश होने से कुछ समय पहले, और ये बाहर अखड़ के कई गायें तो मर गई है, और ये गाय जो पड़ी है, इस गाय के आधा तो बच्चा बाहर है और आधा बच्चा अंदर है, और इसकी कंडीशन ये है कि इसको न तो कोई देखने वाला है न कोई और है, और गौशाला के अंदर और बाहर, अंदर तो जो गायें हैं करीबन 55 गायें हैं, और बाहर गायें घूम रही है, उनको बाहर निकाल दिया गया, वो गायें वापस यहीं घूम रही है, न उनको अंदर ले रहे हैं न कोई और। ये प्रशासन की लापरवाही है, और न यहाँ कोई चेक करने आता है प्रशासन कि भाई यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये लापरवाही बहुत घोर लापरवाही है, और इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कांजी हाउस में लंबे समय से गायें तो बहुत बताई जा रही थी, लेकिन अभी स्थिति कम क्यों है? अभी स्थिति इन लोगों ने निकाल दी है बाहर गायों को, जो ये गाय अभी खत्म हुई है क्या, उसी में अंदर थी? उसी में अंदर थी पहले। अब क्या अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं आपको? अधिकारियों को फोन किया है, अधिकारी कई ट्रेनिंग में गए हुए हैं, कई क्या है, और ये स्थिति है कि हमने फोन भी किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अधिकारियों। अधिकारी पहुंचा अभी? नहीं पहुंचा, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, फोन करने के बाद भी नहीं पहुंचा। जयराम मालाकार, किशनगढ़ मालियों के मोहल्ले से, और अष्टभुजा माता के यहाँ पर हमारा आना जाना रहता है हरदम। हम सवेरे 10 बजे से करीब 6 बजे तक यहाँ पर रहते हैं। हम इन जानवरों की पूरी हालत देख चुके हैं, हमारे को देखना नहीं होता, इनकी हालत ऐसी है कि हम सारे यहाँ पे अष्टभुजा माता के आते हैं और इनके यहाँ पे देख रेख करते हैं। इनकी गायों के ठेकेदार की इतनी लापरवाही है कि 2 लेडीज़ छोड़ रखी है, ना तो कोई जेंट्स है यहाँ पे आदमी उठाने के लिए जानवरों को। हम जो भी अष्टभुजा के हम आदमी आते हैं, सब इन जानवरों को हम उठाते हैं, और इनकी गाय की हालत ऐसी है कि एक इस कांजियोत के अंदर 4-5 गायें हैं और 50-60 गाय डांडों के कीड़े वगैरह वैसे छोड़ रखी है। इनकी गायों की हालत है कि अधमेरे बच्चे होते हैं, ना तो इनको संभालने वाला डॉक्टर है, ना कोई इनकी व्यवस्था है। ठेकेदार की इतनी लापरवाही है, सिर्फ खाखला खुनाने के लिए पे यहाँ पे जानवरों को ला के रखा है यहाँ पे, ना पे यहाँ पे कोई हरे चारे की व्यवस्था है, ना कोई आदमियों की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। ठेकेवार की इतनी लापरवाही है कि जानवर
इतने यहाँ पे अधमरे बच्चे होके मर रहे हैं, ना तो कोई डॉक्टर है उठाने वाला, ना कोई व्यवस्था ठेकेदार की जो इनको जानवरों को अंदर गाड़ी के अंदर व्यवस्था करके भिजा सके। ये तो हम समझ लो कि 6 बजे यहाँ पे रहते हैं, इतनी व्यवस्था कर पाते हैं, ये रात को जानवर यहाँ कांजियोत के पीछे से जानवर निकाल लेते हैं। पहले भी कम से कम महीने भर पहले इन्होंने 50 जानवर निकाले, फिर उसके बाद में 20-25 जानवर निकाले, अभी कल 15 जानवर निकाले। ठंड ठंड की कोई वजह से नहीं, इनकी व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। नगर पालिका व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। जो अपना कार्य करते हैं वो कार्य नहीं करते। जितनी इनको नगर पालिका के पशु ये मदनगंज किशनगढ़ से लेके आते हैं हमारा जानवर, इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इनको छटनी करनी चाहिए, इनको गायों को अलग रखनी चाहिए, इनके जितने भी हमारा जानवर सांड है जो मारने वाले हैं उनकी इनकी कांजियों में व्यवस्था रखी जाए। ये जो गाय मरी है आप देख रहे हो यहाँ पे, गाय मरी है, कल की हालत में ये जीवती थी। हमने अवगत भी कराया था सब लोगों को, लेकिन इसको उठाने वाला भी कोई नहीं मिला, ना तो डॉक्टर की व्यवस्था हुई। आज ये सवेरे की हालत है, ये जानवर मर चुका है। ये गाय जीवती रह सकती थी, इसके बच्चा हो सकता था, लेकिन इनके इस बच्चे के भी आधा बच्चा निकला हुआ है। कुत्तों ने ऐसा जानवरों को नोच लिया, हम आए जब तक इसकी हालत बेकार हो चुकी है और गाय मर चुकी है, आधा जानवर बच्चे खा चुके इसके। अधिकारी या कर्मचारी आए मौके पे भी? अभी कोई भी अभी अधिकारी कर्मचारी मौके पे नहीं आया। हमने कल भी इनको अवगत कराई थी और आज भी इनको सवेरे से लगे हुए, एक भी नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी जिम्मेदार आदमी यहाँ पे नहीं आया। ना तो ये किसकी लापरवाही से जान गई है, ये व्यवस्था है जिनकी लापरवाही है, चेयरमैन हो चाहे ये नगर पालिका के अध्यक्ष हो चाहे विधायक साहब हो, उनको ध्यान रखना चाहिए। ये कोई ध्यान नहीं है, विधायक साहब अपने काम करने में मस्त है, इधर जानवरों के कांजियों तो छोड़ दिया यहाँ पे बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रखी है। यहाँ पे हर टाइप जानवर मरते रहते हैं।